ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। हमारे साथ हैं भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 19 के उप कप्तान जितेंद्र सिंह बिष्ट, जिनसे हम बात करेंगे खेल को लेकर के, साथ में बात करेंगे कि जब ये किस उद्देश्य से उत्तराखंड आए हुए हैं और फुटबॉल की आज जो जगह होनी चाहिए वह जगह कहाँ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जितेंद्र, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, आप भारतीय क्रिकेट भारतीय फुटबॉल टीम के उप कप्तान हो, क्या सोच करके कहाँ से शुरू किया था ये सफर और आज इतने बड़े मुकाम पे हो, तो क्या सोचा था कि यहाँ पहुँचोगे? हाँ, जब हम लोग छोटे थे तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था हम लोगों को, तो हमारा फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं था कि क्रिकेट में हम लोग को वो कर सके, एडमिट कर सके। तो मेरे बड़े भाई ने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था, तो उन्हीं को देख के मैं इंस्पायर हुआ और मैंने भी फुटबॉल स्टार्ट किया। और तब से फुटबॉल में मैंने सोचा कि अपना करियर बनाना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। और ऐसा सोचा नहीं था कि कभी वर्ल्ड कप खेलूँगा, नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट करूँगा। ऐसे जैसे लाइफ जाता है, मैं टाइम के साथ मूव करते रहा और उसके बाद नेशनल टीम में चांस मिला। फिर 6 ईयर में नेशनल टीम के साथ हूँ और लास्ट ईयर ही हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप खेला। और हमारे सर वीरेंद्र सिंह रावत जी का बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। आप वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप खेलते हो, देश का प्रतिनिधित्व करते हो, कैसा गर्व फील होता है जब भारत का झंडा लेके चलते हो और भारत के लिए खेलने उतरते हो, तो कैसा फील होता है उस समय? बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हर बच्चे का सपना रहता है, हर स्पोर्ट्समैन का, कि वो एक दिन अपना नेशनल टीम का जर्सी पहने और उसको रिप्रेजेंट करे और अपना देश का नाम रोशन करे। तो आप अल्मोड़ा से आते हो, थतीउर से, एक इंटीरियर उत्तराखंड का, एक इंटीरियर का गांव, वहां से एक लड़का निकलता है और भारत का प्रतिनिधित्व करता है फुटबॉल, जो कि कभी उत्तराखंड की पहचान होती थी और आज धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि फुटबॉल की जो जगह होनी चाहिए उत्तराखंड के बच्चों के लिए, वो इंडिया की क्रिकेट फुटबॉल की टीम में है कि नहीं है? उत्तराखंड में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है एज ए प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, लेकिन हमको टैलेंट को ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं जितने भी प्लेयर्स को जानता हूँ, 4-5 मेरे दोस्त हैं, वो भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जैसे दीपेंद्र नेगी, अनिरुद्ध थापा, साहिल पनवर और रोहित धानु, सब बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड में टैलेंट नहीं है, उत्तराखंड में भरपूर टैलेंट है, लेकिन हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ से प्लेयर और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया टीम के लिए जा सके, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके। अगर वो फैसिलिटी मिले तो उत्तराखंड से और प्लेयर इंडिया रिप्रेजेंट करने के लायक। बहुत बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है, आप उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हो, जिस समय आप यहाँ आते हो और प्रमोट करना चाहते हो, तो क्या आपको यहाँ का पूरा सपोर्ट मिलता है? यहाँ के लोग आपको कैसे देखते हैं, क्या उस समय फील होता है आपको? ऐसे तो वीरेंद्र सर तो बहुत सपोर्ट करते हैं और जो करते हैं उन्हीं के सपोर्ट से हमको उत्तराखंड से जो भी सपोर्ट मिलता है उन्हीं की तरफ से मिलता है। और उन्होंने जब बोला कि आप इधर के ब्रांड एम्बेसडर हो, तो मैंने बोला सर आप टिकट करो, मैं जरूर आऊँगा आपके लिए। वेरी गुड। एक कहावत कही गई है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो इस पर कितनी सत्यता है, आप कैसे देखते हो तुम इसको? क्योंकि तुम खेल कूद करके तो आप नवाब बन गए, पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन कर रहे हो, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का, तो इस जो एक कहावत कही गई, क्या उस खेल को, उस कहावत को आप झुटलाना चाहते हो? झुटलाना नहीं चाहते, पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए भी, क्योंकि हम लोग फुटबॉल खेलेंगे 35 ईयर्स तक, उसके बाद पढ़ाई भी हेल्प आता है प्लेयर लाइफ में, कुछ जॉब चाहिए अच्छी पोस्ट में, तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब अलग अलग ये है, किसी का फैमिली किसी को ऐसा वो नहीं कर सकता, उसका आर्थिक अवस्था ऐसा नहीं होता कि उनको ज़्यादा अच्छा स्टडीज़ के लिए, तो वो लोग फुटबॉल में अपना फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तो मैंने उतना भी कुछ नहीं किया, अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है, अपना कंट्री का नाम रोशन करना है और उत्तराखंड का। तीन भाई हो, तीनों भाई फुटबॉल खेलते हो, तीनों भाई मदर हैं, फादर हैं, फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है तुमको खेल के आगे बढ़ने में? मेरी मम्मी का और बड़े भाई का तो पूरा सपोर्ट है, मैं जो भी करता हूँ वो लोग मेरे साथ हैं, वो लोग बोलते हैं बेटा तू कुछ भी कर, मन से कर, मेहनत से कर, ऑनेस्ट रह, और हम लोग तेरे साथ हैं। फादर एक कहा जाए तो गरीब तबके के यहाँ से आते हो, सिक्योरिटी में काम करते हैं, तो जब शुरू में तुमको इस लाइन में आना हुआ तो क्या लगा तुमको कि सफलता मिल जाएगी? क्योंकि ऐसे परिवार से बिलोंग करते हो कि लोग डरते हैं कि हम खेल में अपना किस्मत आजमाने चल रहे हैं, पता नहीं सफल हों, नहीं सफल होंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा भविष्य, तो क्या उस समय कैसा लगा? नहीं, जब स्टार्ट किया था, अगर हम पहले ही हार मान जाए तो कभी सफल नहीं होंगे, तो पहले ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जस्ट स्टार्ट किया था, बाद में ये गेम को इन्जॉय किया। ये फुटबॉल गेम ऐसा ही है कि अगर आप इन्जॉय करोगे तो ये लाइफ का हर कुछ आपको सिखा देगा,
आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं है, इसमें बहुत पूरा हम लोग का लाइफ में कैसा रहना चाहिए, हम लोग को प्रोफेशनल और बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो जब छोटा था तब सिर्फ इंजॉय किया फुटबॉल को, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद। खेल सबसे पहले जैसा बात हो रही थी, क्रिकेट में तुम अपना किस्मत अजमाना चाहते थे, क्रिकेट तुम्हारी पसंद थी, तो कहाँ से क्रिकेट पूरा देश इस समय, देश क्या पूरा वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ झुका चला जा रहा है, क्रिकेट को लोग सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं खेल में, तो कहाँ से तुम क्रिकेट की तरफ से तुम्हारा मन चला और तुम फुटबॉल की तरफ चले गए और फुटबॉल में नाम रोशन कर रहे हो प्रदेश का? क्रिकेट तो मैं क्रिकेट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्रिकेट में इंडिया का बहुत अच्छा ये है और आगे भी और अच्छा हो, लेकिन मेरा एक शौक था बचपन में कि मैं भी क्रिकेट खेलूँ और सचिन जैसा बनूँ, लेकिन वो तब हमारे पास उतना फैमिली कंडीशन अच्छा नहीं था कि मैं मेरा मम्मी एडमिशन कर सके, तो घर में अच्छा नहीं लगता था सिर्फ स्टडीज़ करके। तो मेरे भाई ने फुटबॉल ज्वाइन किया तो उसको देख के मेरे को भी अच्छा लगा, फिर मैं भी ग्राउंड जाने लगा, उधर ही से जर्नी स्टार्ट हुई। आप परिवार की स्थिति के बारे में बार बार बात करते हो, तो जब आगे बढ़ना था आपको, तो परिवार कभी ऐसा लगा कि परिवार की माली स्थिति अच्छी नहीं है, हो सकता है मुकाम तक ना पहुंच पाए, हो सकता है भारत का प्रतिनिधित्व ना कर पाए, हो सकता है कि हम राष्ट्रीय टीम में ना खेल पाए, कभी ऐसा डर भी लगा? ऐसा डर शायद मम्मी को लगा होगा, क्योंकि हमारी मेरी मम्मी जो है वो मेरे को पूरा सपोर्ट करती थी। अगर घर में खाने के लिए भी नहीं हुआ तो मेरे मम्मी ने मुझे जूता खरीदने का पैसा दिया, ऐसा सपोर्ट था, तो कुछ पता नहीं चलने दिया मम्मी ने। ये तो बड़ा, देखो परिवार का सपोर्ट मिलना, माँ का सपोर्ट मिलना, और उसके बाद मेहनत जिस तरह से तुमने किया, कितने घंटे मेहनत करते हो? ऐसे मेहनत तो बहुत करते हैं, क्योंकि फुटबॉल ऐसा ही गेम है, अगर हम मेहनत नहीं करें तो कोई भी काम में, अगर हम मेहनत जितना एफर्ट डालेंगे, अपना टाइम डालेंगे, और वो ऐसा वेस्ट तो नहीं होगा, वो हमको पे बैक करेगा। तो ऐसा ही है, जितना आप मेहनत करोगे ये आपको रिटर्न देगा, आज नहीं देगा लेकिन एक दिन जरूर रिटर्न करेगा। जब आप खेलने निकलते हो तो बहुत सी कमियां ऐसी होती हैं कि जो हमको खुद को नहीं दिखाई देती, उस कमियों को कौन आपको बताता है, आपके कोच? हाँ, जैसे लाइफ में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ होता है हमको लगता है हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोचेस जैसे विजेंद्र सर हैं वो हमसे अच्छा जानते हैं, तो वो हमको बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। जितेंद्र, हम लोग देखते हैं कि विजेंद्र रावत जी इस प्रदेश में फुटबॉल के लिए बच्चों को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन वह मुकाम नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए उत्तराखंड के बच्चों को, उसमें कहाँ से कमी है, क्या सोचते हो तुम? मैं जितना जानता हूँ उत्तराखंड के फुटबॉल के लिए सिर्फ सर करते हैं, वीरेंद्र सर, और अगर और भी ऑप्शन मिले सर जैसे और भी लोग गेम को सपोर्ट करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में टैलेंट की तो कमी नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड में बहुत टैलेंट है, और सर को मैं स्पेशली थैंक्स करता हूँ कि वो उत्तराखंड के फुटबॉल को अभी तक जीवित रखे हुए हैं, और इधर से एक दो प्लेयर भी हैं जो भी इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, तो वो सर की बदौलत है। जैसा हम लोगों ने देखा कि रावत जी जो आपके कोच हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको भी ट्रेंड करते हैं, बच्चों को भी ट्रेंड करते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे निकल, जैसे एक तुम निकले, तुम भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, उप कप्तान हो, तो रावत जी को भी कभी तुम्हारे साथ जब बात होती है उनको भी प्राउड फील होता है कि उन्होंने जिसको तैयार किया वो हीरा निकला? हाँ, जैसे ये कोच और एक प्लेयर का रिलेशन ऐसा है जैसे एक बच्चे और पापा का हो, तो जब बच्चा सक्सेस हो जाता है पापा उसके पापा बड़े खुश होते हैं, तो सर भी ऐसे हैं ना, गुरु हैं हमारे। तो कभी ऐसा लगा तुमको कि जो तुम्हारे साथ में थे, जो पीछे छूट रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए था, उनको भी किसी तरह मेहनत करनी चाहिए थी? क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते रहोगे, आप जो कोच रहे होंगे, आपको कई लोगों को एक साथ ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो तुम्हारे पीछे छूट गए होंगे, क्या कमियां रही होंगी, क्या पूरी तैयारी नहीं हो पाई, मेहनत नहीं हो पाता, क्या लगता है तुमको? ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस है अपने काम को लिए। तो मेरे साथ बहुत सारे प्लेयर थे जो मेरे से भी टैलेंटेड थे, मेरे से भी अच्छा खेलते थे, लेकिन शायद उन्होंने उस वैसे सीरियस नहीं लिया ये फुटबॉल को कि शायद ये उनका लाइफ बना दे, वो लोग शायद फन के लिए खेलते थे, लेकिन जब भी मैं फुटबॉल खेलने उतरता हूँ तो मेरे लिए फन नहीं है, ये सब कुछ है। मतलब फुटबॉल में जीते हो, विदेश में जाते हो खेलने, सामने एक विदेशी फुटबॉलर लंबा चौड़ा होता है, तुम्हारे सामने सीना चौड़ा करके आता है, और तुम थोड़ा स्वास्थ्य मतलब शरीर रूप से उतने लंबे चौड़े नहीं हो, तो क्या फील होता है कि कहीं उससे उसकी शरीर से डरना है या उसके खेल से अपने खेल से उसको प्रभावित करना है? नहीं, डरना तो नहीं है फुटबॉल में, और ये फुटबॉल जो गेम है ये एक रियल मैन का गेम है, गट्स, इसमें गट्स चाहिए सबसे पहले अगर आपको खेलना है, और जब हम बाहर जाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास भी दो पैर हैं, उनके पास भी दो पैर हैं, सिर्फ मेंटेलिटी का डिफरेंस होता है कि मेंटेलिटी वो लोग का कैसा है और हम लोग का कैसा है।
और मेनली हमको ग्राउंड पे उतरना है, अपना बेस्ट देना है और देखना नहीं है कि कौन सामने खड़ा है। हम लोग देखते हैं जैसे हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, पूरा दिमाग का गेम हो गया है, अब कैलकुलेशन के साथ लोग खेलते हैं। हम लोग IPL देखते हैं, वर्ल्ड कप देखते हैं, 2020 देखते हैं, वन डे देखते हैं, पूरा दिमाग का खेल हो गया। फुटबॉल को कैसे देखते हो? फुटबॉल भी सेम है, फुटबॉल में भी दिमाग चाहिए, उसके बाद मेहनत चाहिए और लक भी चाहिए, और जब आप मेहनत करोगे तभी लक आपका साथ देगा, और पेरेंट्स का ब्लेसिंग चाहिए, गॉड का ब्लेसिंग चाहिए। एक एक बॉल उसको आप एक पैर के सहारे एक गोल से दूसरे गोल तक को लेके जाते हो, तो उस समय कहाँ आपका निशाना या गोल आपका क्या होता है कि क्या करना है? ऐसे फुटबॉल तो इंडिविजुअल गेम नहीं है, अकेले तो हम नहीं खेल सकते, टीम में 11 प्लेयर रहते हैं, तो हम लोग सिंगल उतना स्ट्रांग नहीं है जितना एज ए टीम हम लोग स्ट्रांग है। अगर हम लोग जितने भी प्लेयर रहते हैं जो 11 में खेलते हैं, फर्स्ट 11 में और जो बाहर भी, अगर हम लोग साथ में हैं तो हमको हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली खेलते हैं तो कोई भी अच्छा टीम आके हमको हरा सकता है। हम लोग देखते हैं जैसे गोलकीपर होता है, तो हमें लगता है गोलकीपर का रोल केवल अपने उसके गोल के पास है, उसके रोल को कैसे देखते हो आप? फील्ड में हर प्लेयर का रोल है, तो अगर वो अपना रोल अच्छे से करे तो वो टीम को हेल्प कर रहा है, अल्टीमेटली वो टीम को हेल्प कर रहा है। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करता तो टीम का लॉस है। अगर हम 1-0 डाउन है तो 11 प्लेयर डाउन है, कोई अकेले डाउन नहीं है। जितेंद्र कहाँ पे आप जो 11 लोग होते हैं किस जगह पे आप खेलते हो? मैं ऐसे सेंट्रल डिफेंडर खेलता हूँ और सेंटर मिडफील्डर। सेंट्रल डिफेंडर और सेंट्रल मिडफील्डर। अच्छा, तो उसमें जो आपका रोल होता है, जैसे हम लोग देखते हैं गोल लेके आदमी चलता है, बॉल लेके चलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में किसको देखते हैं? मेरा ऐसे फर्स्ट जॉब है डिफेंस करना, मतलब रोकना, उसके बाद अगर मेरे को चांस मिले तो गोल करना। वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप में क्या रोल रहा आपका? वर्ल्ड कप में कितने गोल मारा तुमने? हमने तो गोल नहीं मारा, लेकिन हमने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे टीम के हर एक प्लेयर ने अपना एफर्ट डाला और हमको रिजल्ट खराब तो नहीं मिला, लेकिन अच्छा था हमारे लिए वो रिजल्ट। नहीं, हम लोग देखते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में फुटबॉल हर बच्चे में बसा होता है, दूसरे भी प्रदेशों में हॉस्टल हॉस्टल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक फुटबॉल एक ऐसा है, वॉलीबॉल ऐसा है कि उस समय तो हमको दिया जाता है लेकिन कैरियर बनाने को नहीं दिया जाता है। इसको क्या आप देखोगे कि हमको खेलने के लिए तो दिया जाता है लेकिन ये नहीं दिया जाता कि आप इसमें कैरियर बनाओ? ऐसे स्पोर्ट्स में तो कैरियर है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर्सन में जो उस गेम को खेल रहा है। ऐसे कोई बता नहीं सकता आपको कि इसमें तेरा कैरियर है, क्योंकि ये तो मुश्किल है बोलना। आप उस काम को कितना इंटरेस्ट से, कितना एफर्ट से कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि इसमें आपका करियर है कि नहीं। अगर कोई लड़का स्टडीज़ कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो सिर्फ खेलना ही उसका करियर डिसाइड नहीं करेगा, उसका इंटरेस्ट जो है, उसका ऑनेस्टी, वो एफर्ट डाल रहा है, उस टाइम दे रहा है उस गेम को, तभी वो उस लाइन पे अपना फ्यूचर बना सकता है। आज अंडर 19 खेल रहे हो, मेन टीम में जाना है आपको, तो उसके लिए क्या तैयारी है? अभी तो एक ड्रीम है कि अभी मैंने 16, 14, 13 सब खेला है, तो अभी एक ड्रीम है कि अपने सीनियर नेशनल टीम का जर्सी जल्दी से जल्दी पहनना। 14 अंडर 14 के भी कैप्टन रहे हो, अंडर 15 के भी कैप्टन रहे हो, तो हमारी समझ से जैसा खेल तुम्हारा है, हम लोगों ने यहाँ पे मैच में देखा भी, तो हमें लगता है कि आप भारत के जो मेन टीम है उसमें ज़रूर सेलेक्ट किए जाओगे। अगर मान लीजिए आज की टीम में देखा जाए, भारत की फुटबॉल की टीम में कौन आपका पसंदीदा खिलाड़ी है? अभी ऐसे तो सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री है, और जब जिस समय आपने वर्ल्ड कप खेला तो किसको आप ध्यान में लेके चलते थे कि इसकी तरह से बनना है? ऐसे तो किसी की तरह बनना है ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन उसका कुछ कुछ जो क्वालिटी होता है उसको पसंद करते थे, जैसे छेत्री का वो कैसे रहता है, कैसे ड्रेस करता है, कैसे बात करता है, और ग्राउंड पे कैसे वो लीडरशिप लेता है, वो सब उससे बहुत कुछ सीखने का है। ऐसे हम कॉपी तो किसी को नहीं कर सकते, लेकिन किसी का अच्छा चीज़ अगर किसी के अंदर है उसको कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर लें, और बुरा कोई भी चीज़ जो भी है नेगेटिव चीज़। आप बात कर रहे हो कि आप डिफेंड करते हो, आप गोल ना हो उसको रोकने का प्रयास करते हो, लेकिन कभी ऐसा होता है कि लगता है आपको कि आपको फ्रंट पे जा करके यह मौका ऐसा था जब हम गोल कर सकते थे और हमारा वह खिलाड़ी जो गोल करने के लिए जा रहा था चूक गए, कभी ऐसा लगा? हाँ, ऐसा फील होता है, लेकिन एट द मोमेंट नहीं होता। जब हम लोग मैच खेल रहे हैं, आफ्टर मैच जब हम रूम पे जाते हैं, तो फील होता है कि हाँ, शायद अगर ये गलती मैं ना करता, ऐसा करता तो अच्छा होता, ये बॉल को मैं इधर नहीं मार के उधर मारता, ऐसा फील होता है। वही है लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, कि अभी हम लोग सिर्फ 16 ईयर के हैं, तो अभी अगर हम कोई गलती करते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, अगर गलती नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे। क्रिकेट में हम लोग सुनते हैं टीवी पे कमेंट्री में सुनते हैं कि मैच से पहले जिस टीम से आप खेल रहे हो
उसका पूरा परफॉर्मेंस देखा जाता है, कंप्यूटर पे देखा जाता है, क्या फुटबॉल में भी ऐसा है? हाँ हाँ, क्योंकि हमको एक आइडिया मिलता है कि ओपोनेंट टीम कैसे खेल, ऐसे जब हम बाहर जाते हैं इंटरनेशनल मैचेस के लिए, ईरान उसके बाद ब्राज़ील ये लोगों के साथ खेलते हैं, तो नॉर्मली कोच और हमारा एक एनालिस्ट रहता है वीडियो, वो सब वीडियो फुटेज करके रखता है छोटा छोटा कि ये लोग ऐसा अटैक करता है, ऐसे डिफेंस करता है, इनका सेट पीसेज ऐसा है, तो वो सब हमको दिखाया जाता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम न्यूज। हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह बिष्ट, उप कप्तान है फुटबॉल अंडर 19 के, जिनसे हम बात कर रहे हैं खेल की। क्या कारण है कि भारतवर्ष फुटबॉल में वह जगह नहीं बना पाया जहां उनको होना चाहिए था? ऐसे फुटबॉल में इंडिया अभी तो बहुत डेवलप हो गया, इंडिया का रैंकिंग 98 हो गया, तो इंडिया धीरे धीरे डेवलप हो रहा है फुटबॉल में भी। हमारी सीनियर टीम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है और जो अंडर 16 टीम है वो भी बहुत अच्छा खेल रही है बाहर में, तो इंडिया का फुटबॉल भी इम्प्रूव हो रहा है और फ्यूचर में होप्स तो और अच्छा होगा। फुटबॉल का एक खिलाड़ी हमारे प्रदेश से, उत्तराखंड से देश को प्रतिनिधित्व दे रहा है, राज्य में क्या आपको वह सम्मान, वह जगह मिली जहाँ के आप हकदार हो? ऐसे तो जितना हमारे वीरेंद्र सर ने दिया बस वही है, क्योंकि राज्य के सरकारों का भी सहयोग और समर्थन नहीं होता तो बच्चों के अंदर वह हिम्मत नहीं जगती। तो ये माना जाए कि इस उत्तराखंड की प्रदेश की जो सरकारें हैं वह यहाँ के खिलाड़ियों, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे खिलाड़ियों को, स्पेशली फुटबॉल के लोगों को, उन बच्चों को आगे ले जाने में पूरी मदद नहीं कर पा रही है? हाँ, मेरे को भी लगता है, क्योंकि अगर पूरा सपोर्ट मिले तो बच्चे का मन में एक फील आता है कि वो और भी कुछ ज़्यादा करे, लेकिन अगर कोई उसको मोटिवेट नहीं करता तो उसके मन में भी एक फीलिंग आती है, मैं कितना भी मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी सक्सेस लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेरे को वो दर्जा नहीं दिया जा रहा जो जिसके मैं लायक हूँ, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, तो उसका जो ड्रीम रहता है वो छोटा हो जाता है। अगर उसको मोटिवेट किया जाए तो उसका ड्रीम हायर एंड हायर होगा। वेरी गुड। अंडर 14 के कैप्टन रहे, अंडर 15 के कैप्टन रहे, तो कभी प्रदेश सरकार ने बुला करके वह सम्मान दिया, क्योंकि आपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया, एक छोटे से राज्य के छोटे से इलाके का निकला हुआ लड़का पूरे देश का प्रतिनिधित्व किया दो दो अंडर 14 और 15 में, वह प्रदेश की सरकार क्या वह जगह दी आपको कभी? मतलब आप उत्तराखंड का बोलना चाहते हैं? हाँ, उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड में तो ऐसा, क्योंकि उत्तराखंड के आप उत्तराखंड से हो, आप उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हो, आज हमें हमारे साथ बैठने में सबसे पहले हमें भी ये प्राउड फील हो रहा है कि हमारे प्रदेश का लड़का देश की उप कप्तान है, तो जैसे हमें फील हो रहा है, कभी आपको ऐसा लगा कि इन सरकारों को भी बुला के भी आपसे पूछा कि क्या कमियां हैं आपको, या कभी ये हुआ कि मंच पे आपको सम्मानित किया गया हो या सहयोग की बात की गई हो? नहीं, ऐसे तो पहले जब मैं वर्ल्ड कप नहीं खेला, उसके पहले जब मैं 4 ईयर इंडियन टीम में था तो किसी को पता भी नहीं था कि मैं उत्तराखंड का हूँ। Okay. वो तो अभी वीरेंद्र सर को पता था, उसके बाद जब मेरा इंटरव्यूज आए, वीरेंद्र सर उधर आए वर्ल्ड कप में, तब पता चला कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, लेकिन अभी कलकत्ता में रहते हैं हम लोग। जो यहाँ के युवा हैं, आजकल देखते हैं हम लोग कि युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान क्रिकेट की तरफ है, और आप क्रिकेट से ध्यान हटा के फुटबॉल में आपने कैरियर बनाया, और आज एक कहा जाए तो अंडर 19 के उप कप्तान हो, तो एक मुकाम पे आप पहुंच चुके हो। अब आपके सामने एक ही टारगेट है, किसी तरह देश का प्रतिनिधित्व करना मेन टीम में, तो यहाँ के युवाओं को क्या आगे बढ़ करके फुटबॉल में भी कैरियर बनाना चाहिए? हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप ये गेम मत खेलो, आपको जो पसंद है वो गेम खेलो, लेकिन उस गेम में एफर्ट डालो, अपने फ्यूचर के लिए सोचो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो, और कोशिश करो कि अपना स्टेट का, स्पेशली अपना देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का, क्योंकि सबसे पहले हमारे माता पिता हैं जो हमको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि कोई लड़का अगर मान लीजिए कभी सक्सेस होता है तो उसके लिए टीचर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी तरह कोई खिलाड़ी होता है तो कोच की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कोच की भूमिका कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है? जैसे कोच तो बहुत इम्पोर्टेंट है, फिजिक है, आपका खेल है, खेल का जो ढंग है, जैसे आजकल बहुत मॉडर्न हो गया है खेल, पहले नॉर्मल ग्राउंड्स होते थे, अब ग्राउंड की भी टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, तो हमेशा एक कोच हमेशा इम्पोर्टेंट है प्लेयर के लिए,
क्योंकि एक कोच ही बता सकता है कि एक प्लेयर का फॉल्ट क्या है, उसका मिस्टेक क्या है, और अगर मैं कोई गलत रूट में जाता हूँ तो कोच ही बोलता है कि ये रूट तेरे लिए सही नहीं होगा, इस रूट पे चल, शायद तेरे को सक्सेस मिले लाइफ में और ज़्यादा। और तो कोच हमेशा इंपॉर्टेंट है, एक गाइडेंस हमेशा पीछे से, क्योंकि पापा काम में बिजी रहते हैं, मम्मी भी काम में बिजी रहती है, तो कोच एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा आपके साथ है, आपका हेल्प करेगा वो हर मोमेंट पे, एक पेरेंट्स जैसा ही होता है कोच। तो तुमको गर्व फील होता है कि जिस परिवार से तुम आए वो परिवार कम से कम कभी नहीं सोचा रहा होगा कि हमारा बच्चा इतना आगे जाएगा, क्योंकि फादर शुरू से मेहनत कर रहे थे, एक ऐसी दौर से गुजर रहे थे कि जहाँ पे अपने बच्चे को सारी सुविधा देना, जैसे तुम बात करते हो जूते की, कपड़ों की, वह देना उनकी हो सकता है कि स्थिति में ना रहा हो, लेकिन मदर ने सपोर्ट किया, तो उस समय कैसा लगता है कि फादर की स्थिति ना होने के बाद भी आज तुम एक मुकाम पे हो? बहुत खुशी होता है सिर्फ जब हम पीछे टर्न करके देखते हैं कि मैंने इतना स्ट्रगल किया और आज लाइफ में मैं, अभी तो कुछ नहीं हूँ, लाइफ में बहुत कुछ करना है अभी भी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो मैं बस थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने मम्मी पापा को, कोचेस को और स्पेशली गॉड को कि जो भी दिया मेरे को अभी तक। खेल के साथ और किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है जिसको ये सोचते हो तुम कि यार कभी खेल से समय मिलता है तो हम अपने उसमें ध्यान लगाएं, थोड़ा अपना कंसंट्रेट करें? मान लो कभी कभी होता होगा कि खेल में बहुत अपसेट होते होगे, मैच हार गए, बहुत अपसेट हो, तो कहाँ ध्यान तुम्हारा जाता है? जैसे ऐसे मूवीज़ में ज़्यादा ध्यान जाता है, जैसे MS धोनी मूवी हो गया, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, और म्यूजिक सुनने में टाइम चले जाता है। क्रिकेट में कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी लगता है? क्रिकेट में अभी तो सचिन अच्छा लगता था, फिर MS धोनी। फिल्में देखते हो? हाँ। एक्टर कौन सा पसंद है? ऐसे मेरे को वो मूवी पसंद नहीं, जैसे ये बॉलीवुड मूवी बनता है ये पसंद नहीं, लेकिन जो लेकिन जो रियली ट्रू लाइफ पे बनता है, जैसे मिल्खा सिंह हो गया, MS धोनी, सचिन, ये सब मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। एक्टर कौन सा पसंद है? ऐसे शाहरुख खान ही पसंद है। शाहरुख खान को फॉलो करते हो? नहीं, ऐसे ही सिर्फ। एक्ट्रेस कौन सी पसंद है? ऐसे एमी जैक्सन। भाई एक्टर तो तुम ले लिए यहाँ की, एक्ट्रेस तुम ले लिए हो? नहीं, वो हिंदी मूवी भी करती है। अच्छा अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि आदमी जब आगे बढ़ने लगता है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग उसको पीछे खींच रहे हैं, कभी ऐसा लाइफ में तुमको लगा? हाँ, ऐसा होता है, मतलब कुछ लोग अच्छे हैं देश में तो कुछ खराब भी हैं, लेकिन हमको उन पे ध्यान नहीं देना है, हमको अपना फोकस सही रखना है अपने लक्ष्य की ओर और आगे बढ़ते जाना है, और जो अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखना है कि जो आपको हमेशा सपोर्ट करे और एक पॉजिटिव एनर्जी दे कि आपको ऊपर जाना है हमेशा, और ज़्यादातर नेगेटिव लोगों से दूर रहना है जो आपको डिमोटिवेट करे कि आपका ये दृष्टि को भ्रष्ट करे, हमेशा अपना लक्ष्य पे फोकस रखना है। जितेंद्र, हम लोग मूवी देखते हैं हम लोग कि मूवी में ये दिखाता है कि सिलेक्शन कमेटी कहीं ना कहीं से पॉलिटिकली मोटिवेट होती है कि किस बच्चे को लेना है किस बच्चे को नहीं लेना, कभी तुमको ऐसा लगता कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है सिलेक्शन में? ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद और मैं मेहनती भी था तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमेशा मैं मेहनत किया हूँ वो मेरे को मिला है, मैं नेशनल टीम का जर्सी पहना हूँ, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है मेरे लिए। सीने पे एक भारत का नक्शा, भारत का झंडा लेकर के जब चलते हो और सामने की टीम से खेलना होता है तो क्या होता है, निशाने पे क्या रहता है? यही रहता है कि अपना देश का नाम, और पहले तो सबसे पहले बहुत प्राउड होता है कि नेशनल टीम का जर्सी हम लोग पहने हुए हैं, और जो ऐसा नहीं सोचते हैं कि जीतना है हारना है, हम लोग जो केपेबल हैं 100% 200% ग्राउंड में एफर्ट डालना है, रिजल्ट तो उसके बाद अगर हम उस लायक हैं तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हमको एफर्ट पूरा डालना है, अपने आप को चीट नहीं करना है, ग्राउंड के अंदर 100% देना है हर मोमेंट। वर्ल्ड कप हारते हो, आते हो ड्रेसिंग रूम में, तो क्या 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 कमी उस समय तुमको लगी थी कि कहाँ हम लोगों की कमी थी, हम इस मैच को निकाल सकते थे? हाँ, वर्ल्ड कप जब हमारे बहुत दुख हुआ, सब तो बहुत इमोशनल था, तो रो भी रहा था, मैं खुद भी रो रहा था ड्रेसिंग रूम में, तो बहुत बुरा लगा, लेकिन ये बहुत खुशी भी हुआ कि हमने इंडिया कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला आज तक, तो वो फील कुछ अलग था, उतना 50,000 क्राउड के सामने हमने रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मिस्टेक भी था हमारा, जिसको हम अभी हमारे कोच जो हैं वर्ल्ड कप के बाद हमने जो भी मिस्टेक किया इंडिविजुअली हर एक प्लेयर ने, तो कोच ने समझाया, तो हम लोग उसको डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग होप्स और अच्छा करेंगे। अंडर 19 के अलग से कोच होते हैं, अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ये इनका क्या रोल होता है आपकी फिजिक को सही करने का? क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम तो नज़दीक से जानते नहीं, तो इसमें क्या होता है रोल जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं? जैसे फुटबॉल गेम में एक पार्ट है इंजुरी,
मतलब जब प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसमें फिजियो का रोल रहता है, जैसे डॉक्टर भी चाहिए एक प्लेयर को कम बैक करने के लिए इंजरी से, तो उसको मोटिवेट करने के लिए एक कोच चाहिए जो उसको मोटिवेट करे कि नहीं थोड़ा दिन रेस्ट लो, कुछ नहीं होगा, तुम फिर रिटर्न बैक आ सकते हो। तो फुटबॉल में ऐसा ही है, इंजरी बोल के भी एक पार्ट है फुटबॉल का, जो सबसे ख़राब पार्ट है, भगवान ना करे किसी को कभी इंजरी हो, तो उसके लिए हमको डॉक्टर भी चाहिए टीम में, असिस्टेंट कोच चाहिए, एक गोलकीपर कोच भी होता है जो गोलकीपर लोग को अलग से ट्रेनिंग कराता है, एक वीडियो एनालिस्ट होता है, हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है नेशनल टीम में। पूरी टीम खेल रही होती है, अच्छा एकाएक हमें कहा जाता है कि आप बाहर आओ आपकी जगह दूसरा जाएगा, तब कैसा फील हो, कभी ऐसा हुआ सामना तुम्हारा? हाँ, जब अगर मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ उस दिन, मेरा डे अच्छा नहीं है, हो ही सकता है, ऐसा तो नहीं है कि हर दिन सचिन अच्छा बैट करेगा, कभी सचिन जीरो पे भी आउट होता है, तो उसकी जगह में जैसे अगर मैं सब्स्टिट्यूट हो रहा हूँ जो अंदर जाता है, मैं बोलता हूँ कोई नहीं मेरा दिन खराब है, तू अपना 100% देना, क्या पता आज टीम को तू जीत दिलाए, आज तेरा दिन है, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एज ए टीम हम लोग बहुत स्ट्रांग है, इंडिविजुअली हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है। उत्साह देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कौन तुम्हारे साथ रहता है मैच में? मैच में हमारे कोच रहते हैं, प्लेयर्स और फैमिली मेंबर, कोई फैमिली मेंबर ऐसे वर्ल्ड कप में तो मम्मी भाई थे, लेकिन मेरा टीम ही मेरा फैमिली है उस समय, तो क्योंकि टीम के जितने भी लड़के हैं मैं उनको भाई से कम नहीं समझता, और वो लोग भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत। उत्तराखंड के बच्चों को अगर आना है, आगे आना है, तो किसके सपोर्ट की जरूरत है, सरकार की या यहाँ की जनता की, या कैसे मानते हो कि यहाँ, क्योंकि फुटबॉल में उत्तराखंड का टैलेंट बहुत आगे है, हम लोग देखते हैं कि हर जिले का लड़का बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन वह मुकाम नहीं मिल रहा है, वह प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कहाँ कमियाँ हैं? मैं बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में टैलेंट की हमेशा से पहले से कमी नहीं है, लेकिन इधर के प्लेयरों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो अगर सिर्फ वीरेंद्र सर का सपोर्ट जरूरी है या फिर गवर्नमेंट का, और भी बहुत चीज़ जो हर तरफ से प्लेयर लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि वो लोग को किट, वो लोग को कपड़े का, फूड का, उसके बाद टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग को खिलाया जाए, और एक होना चाहिए जो प्लेयर लोग को बाहर सेंड करे ट्रायल्स के लिए, जहाँ ताकि हमारे प्लेयर वहाँ प्रूव कर सके कि उत्तराखंड का फुटबॉल भी अच्छा है। तो मेरे नज़र में वैसे उत्तराखंड के प्लेयर और अपना कंट्री का नाम रोशन कर सकेंगे और स्टेट का भी। उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जगह है जो तुमको सबसे पसंदीदा है? उत्तराखंड में मैं जब भी आता हूँ, ऐसे हम लोग घर तो आते हैं दो साल में एक बार, उधर जाते हैं अल्मोड़ा, तो मंदिर ही ज़्यादा जाते हैं हम लोग, मंदिर है, सब पूजा पाठ करते हैं, वही मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड के जो लड़के अपना खेल में भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट चीज़ जो है अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करो, उसके बाद अपने कोचेस जितने भी स्टाफ्स हैं उनका बात सुनो, और अपने काम में फोकस रखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और मैं प्रे करूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स में अपना लाइफ देखता है वो सक्सेस हो। ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह बिष्ट, भारतीय टीम के उप कप्तान हैं अंडर 19 के, और जिस तरह से मेहनत करके आज ये मुकाम को हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और इनका कहना है कि पूरा ध्यान हम खेल पे लगाएं, पेरेंट्स की इज्जत करें, सम्मान करें। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी इस इंटरव्यू को देख करके जो बच्चे खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं वह उसे अपनाएंगे, और आने वाले समय में बिष्ट जी से अच्छा खिलाड़ी बनेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए प्राइम न्यूज़।